कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। वेलकम बैक आरपी लाइफ ब्लॉग। और आज है दशहरा। जी हाँ, विजयादशमी। तो आप सबको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल रात एक प्रॉब्लम हो चुकी थी, ठीक है साथ हुआ ये कि इतने सारे मोबाइल्स और वीडियोस लिए गए हैं कि उसका मोबाइल हैंग कर चुका है, ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। तो उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग निकले हैं पहले दिखाने के लिए कि देख लें, अगर वो रिपेयर हो जाएगा देन हम लोग उसको रिपेयर करा लेंगे, बट अगर नहीं रिपेयर हो रहा है तो दी नया मोबाइल ले लेगी ये, क्योंकि बिना मोबाइल के तो आज काम होने वाला है नहीं आजकल की लाइफ में। और ऑफिस वगैरह से कॉल मैसेजेस भी आते हैं तो अपडेट रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं रिपेयरिंग के दुकान पर, दिखाएँगे मोबाइल, देखते हैं क्या होता है। बन गया तो ठीक है, तो फिर एक नया मोबाइल लेना ही होगा उसको। तो चलिए चलते हैं। मैं, भाई, दी और बेटा आए हैं साथ में, छोटा वाला, मतलब मेरा भी बच्चा आया हुआ है, छोटा बेटा नहीं आया, वो भी मेरा ही है। आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं दी का मोबाइल लेने के लिए। जैसा कि डिसाइड हो चुका था, वैसे दी का मोबाइल ठीक हो चुका है, कुछ ख़राब नहीं था, बस थोड़ा हैंग कर चुका था। वो ऑन हो चुका है, ठीक है, बट दी ने बोला कि ये फ़ोन लेना ही है तो ले ही लेते हैं अभी। और क्या कहते हैं, हम लोग आए हुए हैं शॉप में दी का मोबाइल लेने के लिए। ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, बस बुकिंग हो रही है। तो अब मिठाई खाना है क्योंकि दी ने एक नया मोबाइल लिया है, तो मिठाई तो बनता है, क्या बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले पैकिंग करवाते हैं, बिलिंग करवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और बारिश एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ कि क्या हाल है अभी। क्या बारिश की, कितनी जोरों की बारिश हो रही है यहाँ पे। और आज ये दसवीं भसान का दिन है, बड़ा बड़ा पंडाल। अभी आज भसान नहीं होता तो लोग घूमने भी जाते हैं। बारिश पता नहीं क्या करने वाली है आज। हाँ जी, तो मैं फिर से रेडी होके निकल चुकी हूँ बाहर। एक्चुअली सियालदह कुछ काम से हम लोगों को जाना था, तो हम लोग सियालदह का पूजा नहीं देख पाए थे। इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा हैट्रिक था कि बहुत जगह कोलकाता में पूजा लगती है तो पॉसिबल नहीं हो पाया था इस बार। तो हमने सोचा कि अब जब सियालदह जा ही रहे हैं तो चलो घूम के आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से दसवीं के दिन भसान नहीं होता है। देखते हैं क्या होता है, भगवान करे भसान ना हुआ हो पंडाल तो हम लोग देख पाएंगे। तो आज दिलों को थोड़ा फीवर ऐसा हो गया है, तो मैं और बड़ा बेटा और चाची यही तीनों जा रहे हैं, कुछ काम था उन्हीं को। तो हम लोग सोचे कि चलो देखते हैं, किसी बहाने अगर देख लेंगे तो बढ़िया होगा। तो बस इसलिए हम लोग निकले हैं। अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, तो देख सकते हैं आपकी ज़्यादा धूप नहीं है। तो हम लोग थोड़ा लेट ही निकले क्योंकि हम लोगों को सियालदह में ही जो करना है वो करना है, कहीं जाना वाना नहीं है, तो जल्दी निकलने का कोई मतलब नहीं है। और अगर भसान आज हो जाएगा तब तो पोपट ही हो जाएगा, पंडाल लूट चुका होगा। तो खैर देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहिए हम लोगों के साथ, मिलते हैं आगे मेले में या फिर आगे सियालदह, मिलते हैं आपसे। और सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि काम निपटाने में थोड़ा टाइम था तो पहले पंडाल देख लेते हैं। जब पंडाल देखने के लिए हम लोग पहुँचे उस रास्ते में तो लुक एट दिस क्लाउड, अनएक्सपेक्टेड था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी दसवीं में घूमना नहीं, मतलब मैंने कभी भी दसवीं के दिन मेला देखने नहीं गई हूँ, दुर्गा पूजा में इतने सालों में। बट इस बार काम था तो हम लोगों ने सोचा सियालदह देखा भी नहीं था तो चलो देख लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा भूख थी, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। दसवीं के दिन ही मतलब ऐसा लग रहा था कि पूजा की शुरुआत हुई है, बहुत ही ज़्यादा क्लाउड था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ था। और ये भीड़ मतलब अभी कितने दिनों तक चलने वाली है हम लोगों को भी नहीं पता थी। तो बस हम लोग भी लाइन में लग गए और पंडाल देखने के लिए। और ये सियालदह लेबू तला का पंडाल है जहाँ पे लाल किला बनाया जाता है, यहाँ पे लेज़र लाइट पे दिखाया जा रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा कुछ आज़ादी के बारे में दिखाया जा रहा था। तो मैंने लिया है, थोड़ा सा शूट किया है। पंडाल देखा, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा ब्लॉग में, कितना जबरदस्त पंडाल था। तभी मैं बोलूं कि दसवीं के दिन इतना भीड़, कौन सा पंडाल है यार, समझ नहीं आ रहा था। बट वाकई देखने के बाद वो जो भीड़ में खड़े थे हम लोग, वो सब वसूल हो गया, मज़ा आ गया देख के, मतलब मन खुश हो गया एकदम। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगी। बगल में गाना चल रहा है
तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे पंडाल देखने के लिए और जबरदस्ती गर्मी है, भीड़ है, लग ही नहीं रहा है कि दसवीं है आज, लग रहा है कि मतलब अभी तो स्टार्ट ही हुआ है पूजा, जैसे कि आप लोगों ने भीड़ देख के अंदाजा लगा ही लिया हुआ है कितना ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए चलते हैं अगले ब्लॉग में, सॉरी चलिए चलते हैं अगले पंडाल में। लाइट चल रहा है और पानी आई डोंट नो। अभी हम लोग का घूमना फिरना हो चुका है और अभी हम लोग एक दूसरी जगह आए हुए हैं। क्यों आए हैं, किस काम से आए हैं, ये मैं इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, आपके आने वाले आपको आने वाले ब्लॉग्स में ज़रूर पता चलेगा कि मैं क्यों आई हूँ, कहाँ आई हूँ। तो फिलहाल अभी जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पूरा कर लेते हैं। हम लोगों ने पंडाल देख लिया, बहुत भीड़ था, बहुत मज़ा आया देख के घूम के, बट अब जिस काम के लिए आए थे वो काम भी कर लिया जाए, तो जा रहे हैं पहले उस काम को करने के लिए। आने वाले ब्लॉग्स में ज़रूर मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ आई थी, क्या करने के लिए आई थी, बट अभी थोड़ी देर के लिए सस्पेंस है, ज़्यादा दिनों तक ये सस्पेंस नहीं चलेगा, आपको ज़रूर पता चलेगा कि मैं कहाँ आई हूँ। तो बस अभी जाते हैं वहाँ पे, काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और जहाँ जहाँ पे यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था मुझे साउंड वहाँ का म्यूट करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मुझे वहाँ का साउंड म्यूट करके यहाँ पे म्यूज़िक लगाना पड़ा, तो उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि ओरिजिनल म्यूज़िक का एक बात ही अलग होता है, फील ही अलग होता है, बट क्या कर सकते हैं, रूल्स तो फॉलो करना है ना यूट्यूब का, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। Thank you.
मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। कल बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, तो मैंने ब्लॉग का एंडिंग नहीं दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग में अच्छे से एंडिंग दूंगी। कल दसवीं था बट भीड़ आप लोगों ने देखा है कि कितना ज़्यादा था, लग ही नहीं रहा था कि दसवीं है। और आई थिंक अभी दो चार दिन वो पंडाल ऐसे ही रहेगा, विसर्जन नहीं होगी मूर्ति, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। उसी से पता चल रहा था कि लोग अभी और देखने जाएंगे। तो बस ऐसे हम लोग ने कुछ पूजा घूमा और बहुत ही अच्छा से निकला पूजा। माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि ऐसे ही बनाए रखें, इसी मनोकामना के साथ विजयादशमी बीत चुकी है और इस ब्लॉग को भी मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। तो बस ऐसा ही कुछ दिन रह रहा है आजकल, तो बने रहिए, अच्छे से रहिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये पूरा दुर्गा पूजा का जो मैंने दिखाया वो सब आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और ब्लॉग्स देखने के लिए बने रहिए, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।